हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताने वाली हूँ जो कि बहुत बेसिक हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो आप मैथ्स का बेसिक बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलेज। पहला फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप बी स्क्वायर को आगे या पीछे भी लिख सकते हो और ये फॉर्मूलेज आपको डायरेक्टली लर्न ही करना होगा, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। सेकंड फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको क्या कर देना है, जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लिख देना है, फिर आपको 2ab लिख देना है जैसे कि आपने प्लस वाले फॉर्मूले में लिखा था, फिर जो आपका सेकेंड टर्म है उससे लिख देना है। ये जो माइनस का साइन है वो सिर्फ यहाँ इस वाले टर्म में चेंज लाएगा, ठीक है। तो हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि है अगर आपको थ्री टर्म्स दे दिए जाएँ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो आप लोग क्या लिखने वाले हो। तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा इजी होता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर हम लोग करेंगे सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर हम लोग करेंगे थर्ड टर्म का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या कर देने वाले हैं, टू का मल्टीप्लाई करेंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे। पहले इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे ए बी प्लस का साइन, फिर हम लोग इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे बी सी प्लस का साइन, फिर हम लोग इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे प्लस ए सी। और ये हमारा थर्ड फॉर्मूला रेडी हो चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर फोर्थ पढ़ेंगे जो कि है ए प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको इन सब फॉर्मूलोज को कम से कम 5 से 6 बार लिखना होगा तभी आपको लर्न होंगे। चलो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का आप क्या कर देंगे क्यूब, फिर आप लोग सेकेंड टर्म का भी क्यूब कर देंगे। इसके बाद आप प्लस में लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई। जब हम लोग स्क्वायर लगा रहे थे तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये आप देख पा रहे होंगे। जब हमने क्यूब लगाया तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये दोनों टर्म्स लिख देंगे ए बी। बस इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है उसको यहाँ पर फिर से लिखना होगा आपको। और ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला। अब हम लोग फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा ए माइनस बी होल क्यूब। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स लिख देंगे, फर्स्ट टर्म उसका क्यूब, फिर माइनस सेकेंड टर्म उसका क्यूब, माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले में हमने प्लस की जगह सब जगह माइनस लिख दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जो कि हमारा है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला ज़रूर यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका फर्स्ट टर्म है उसको लिख दो आप, जो भी आपका सेकेंड टर्म है उसको लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, फिर एक और ब्रैकेट लगाओ जो भी फर्स्ट टर्म है उसे लिख दो, जो भी सेकेंड टर्म है उसे लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। एक में आप प्लस लिख दो, एक में आप माइनस लिख दो। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। अगर कभी आपको लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का टर्म है तो आप जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी कॉमन आएगा, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जब हम लोग लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला उसमें क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो जो हमारा पहला टर्म होने वाला है वो क्या आएगा ए प्लस बी, और दूसरा टर्म क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप लोग माइनस का कॉमन लेने वाले हो, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, तो ये टर्म किसका आएगा प्लस का, और जब ये प्लस है तो यहाँ प्लस, और ये टर्म कैसा आएगा माइनस का। ये फॉर्मूलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
अगर आपने इस फॉर्मूलेज को लर्न कर लिया तो आप लोग फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पूरा यूं निपटा लेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टफ चैप्टर होता है। आप लोग इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर लोगे। तो आपको ये फॉर्मूले ज़रूर लर्न करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरे फॉर्मूले समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।